नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी सर्फेक्टेंट आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 31 तारीख को बंद हुआ था, अब इसकी लिस्टिंग होगी 8 तारीख को। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस आईपीओ की जो है लिस्टिंग कितने पे होगी और इसमें आपको कितना मुनाफा होगा। लिस्टिंग होने के बाद इस आईपीओ को रखें या निकल जाएं, लंबे समय में इसमें और क्या हो सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको एक कंपैरिजन भी करके बताऊंगा कि जीएमपी जो रहता है उसके वर्सेस में जो स्टॉक है या आईपीओ है उसकी लिस्टिंग कितने पे होती है, तो या जीएमपी कितना ऑथेंटिकेटेड आपको एक रफ आइडिया देता है। तो ये सारे टॉपिक पे मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। डियर इन्वेस्टर्स, अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक पे अपने वीडियो बनाता रहता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है कि कैसे आपको म्यूचुअल फंड बाय करना चाहिए, बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से हो सकते हैं, या तो ऐसे शेयर्स के बारे में बताता हूँ जो कि पोटेंशियल रखते हैं आगे आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न दे सकें, और साथ ही साथ स्टॉक मैनिपुलेशन के बारे में बताता हूँ जो कि इन्वेस्टर को अवेयर करने के लिए रहता है कि उनको मार्केट में किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं फाइनेंशियल प्लानिंग और आईपीओ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, जो भी लेटेस्ट आईपीओ करंटली मार्केट में ओपन रहते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे किसी भी स्टॉक के बारे में, आईपीओ के बारे में, या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी मैं वीडियोज डालता हूँ उसके बारे में अपडेट मिलते रहे। और जो बेल आइकन रहता है उस पर भी क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करूंगा उसके आईपीओ के टाइमलाइन के बारे में। ये जो आईपीओ था 29 जनवरी को ओपन हुआ था, इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की थी वो 31 जनवरी की थी। अब इसका जो अलॉटमेंट है वो आपको लगभग 6 फरवरी के आसपास पता चल जाएगा, और 7 फरवरी तक आपको अगर आईपीओ नहीं मिलता है तो आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा और जिनको आईपीओ अलॉट हुआ है उनके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। इसके जो लिस्टिंग है एक्सचेंज में वो 8 फरवरी के होने वाली है। चलिए मैं इसको सब्सक्रिप्शन बेस पर बताता हूँ कि आईपीओ को किस प्रकार का रिस्पांस मिला था। तो पहले, दूसरे और तीसरे दिन का जो डेटा मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये नंबर ऑफ टाइम्स में रहेगा। तो क्यूआईबी ने पहले दिन ही 100% से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन कर दिया था। एनआईआई और आरआईआई ने थोड़ा कम सब्सक्रिप्शन दिखाया था, थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन तीसरे दिन के आते आते या तीसरे दिन के क्लोजिंग टाइम पे क्यूआईबी की तरफ से लगभग 54 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन आया था, एनआईआई ने लगभग 7 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन किया था और आरआईआई ने लगभग 6 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन किया था। तो ओवरऑल जो टोटल सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ को मिला था वो लगभग 20 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिला था, यानी 20 गुना ये जो आईपीओ है सब्सक्राइब हो चुका था। तो अब हम देखेंगे कि इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो स्टेटस अगर किसी को पता करना है तो वो कहाँ से पता कर सकता है। अब क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रार है वो लिंक इन टाइम एजेंसी है तो उनकी वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं। उसके लिए ये जो लिंक मैंने यहाँ दिया है सेम लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बताऊंगा, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी लिंक पे जा सकते हैं। इसका जो इंटरफेस रहेगा वो इस तरीके का आता है जिसमें आपको पहले तो आईपीओ सेलेक्ट करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन मेनू से, उसके बाद या तो आपको पैन कार्ड की डिटेल डालनी पड़ेगी, एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, या फिर डीपी क्लाइंट आईडी जो रहती है, इन तीनों में से कोई भी एक इन्फॉर्मेशन डाल के आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। चलिए अब इशू डिटेल्स देख लेते हैं आईपीओ के, थोड़ा जो आपको आइडिया दे देगा। तो ये जो आईपीओ था लगभग 937 करोड़ के इशू साइज का आईपीओ था। इसका जो इशू प्राइस इन्होंने सेट किया था वो 1470 से लेके 1480 रुपये का सेट किया था। इसका जो लॉट साइज था ये 10 शेयर्स का एक लॉट इस आईपीओ का था। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार इसमें आपको पॉसिबल गेन होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, और इसमें बताना चाहूँगा डिस्काउंट किसी किसी आईपीओ में मिलता है लेकिन इस आईपीओ में कोई भी डिस्काउंट नहीं था। तो करंटली जो इसका ग्रे मार्केट प्राइस है वो 65 से 70 के आसपास आ चुका है। जब ये आईपीओ ओपन हुआ था तब इसका ग्रे मार्केट प्राइस लगभग 400 रुपये के आसपास था, लेकिन जैसा मैं अपने हर वीडियो में सभी को बताता हूँ कि जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो मार्केट वॉलेटिलिटी, मार्केट कंडीशन, जियोपॉलिटिकल कंडीशन और कोई भी नई न्यूज़ जो आती है उसके बेस पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। और जैसा कि बजट के बाद से मार्केट गिर रहा है, स्मॉल कैप में और भी ज़्यादा सेल ऑफ आ रहा है, तो उस वजह से इसका ग्रे मार्केट प्राइस भी कम होकर लगभग 65 से 70 रुपीज़ के आसपास आ चुका है।
तो अब हम देखेंगे कि इसका जो पॉसिबल लिस्टिंग है वो कितने पे हो सकती है। तो लगभग 1545 रुपए के आसपास इस आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है, जो कि मैंने जो इसका अपर प्राइस बैंड था 1480 का, उसमें ग्रे मार्केट प्राइस में जो लोअर वैल्यू है वो ऐड करके लगभग 1545 की वैल्यू लेके आया हूँ। तो अब हम देखते हैं कि पॉसिबल गेन किसी भी इन्वेस्टर को कितना हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, तो जो मेन ग्रे मार्केट प्राइस है वही इसका पॉसिबल गेन भी होगा, यानी 65 रुपीस तक का गेन होगा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं लॉट साइज से, यानी 10 शेयर से, तो लगभग एक आईपीओ जो या एक अलॉटमेंट आपको होगा उसमें लगभग 650 रुपये तक का गेन आपको मिलने की पॉसिबिलिटी करंटली लगती है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, इसका ग्रे मार्केट प्राइस टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो इसलिए अगर आपको इस आईपीओ का जो ग्रे लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्राइस जानना हो लिस्टिंग से पहले वाले दिन में, तो आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्राइस अपडेट करता रहूँगा। और साथ ही साथ आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको रिस्पांस में बता दूंगा कि इसका ग्रे मार्केट प्राइस लेटेस्ट कितना चल रहा है। मैं अब आपको ये दिखा देता हूँ कि जो ग्रे मार्केट प्राइस रहता है उसका लिस्टिंग के साथ क्या रिलेशन होता है। ये मेरे बहुत से व्यूअर्स ने मुझे ये सवाल पूछा है कि आप वीडियो में ये भी बताएं कि जो ग्रे मार्केट प्राइस मैं बताता हूँ उसके हिसाब से लिस्टिंग कितने पे होती है। तो इस साल में जो चार मेन लाइन वाले आईपीओ लिस्ट हुए हैं उनका मैं डेटा आपके सामने लाया हूँ। सबसे पहले एस्टॉन का देखेंगे, जिसका इशू प्राइस 50 था और ग्रे मार्केट प्राइस लिस्टिंग से पहले लगभग 60 रुपये के आसपास था, और इसकी जो लिस्टिंग है वो उसी के हिसाब से 115 के आसपास हुई थी, मतलब 130% का गेन मिला था। करंटली ये स्टॉक जो है वो 124 के आसपास चल रहा है, इसने लगभग 170 का हाई भी बनाया था। कंटिन्यू सर्किट पे ये ऊपर गया था और सर्किट पे ही ये स्टॉक जो है नीचे भी आया था। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की बात करेंगे, ये 22 जैन को लिस्ट हुआ था, 275 की इसकी वैल्यू थी, जीएमपी जो था लगभग 190 से 210 रुपए के आसपास था। इसकी भी जो लिस्टिंग है वो लगभग 465 के आसपास हुई थी, यानी कि जो ग्रे मार्केट प्राइस हमने मेंशन किया था लगभग उतने ही अपर साइड पे इसकी लिस्टिंग हुई थी। करंटली इसका जो भाव है वो 322 रुपए के आसपास है, क्योंकि ये स्टॉक ने भी लिस्टिंग के बाद कंटिन्यू नीचे। अब तीसरा जो आईपीओ था न्यू जेन का, इसमें हमने पहले ही बताया था इसमें लिस्टिंग गेन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और ग्रे मार्केट प्राइस से भी ये चीज़ पता चल रही थी कि सिर्फ 15 रुपए का ग्रे मार्केट प्राइस था, और जब लिस्टिंग हुई थी तो सिर्फ 10 रुपए ऊपर की ही इस आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी, और करंटली ये जो स्टॉक है वो अपने लिस्टिंग प्राइस के भी नीचे कोट कर रहा है। अंबर एंटरप्राइजेस जो कि 30 जनवरी को लिस्ट हुआ था, इसकी इश्यू प्राइस लगभग 860 रुपए की थी, ग्रे मार्केट प्राइस हमने अज्यूम किया था 300 से 350 रुपए का था, और इसका जो लिस्टिंग है वो लगभग 1175 के आसपास की हुई, जो अगेन हमने 300 रुपए का जीएमपी अज्यूम किया था उसके आसपास की ही इसकी जो लिस्टिंग हुई थी। करंटली ये लगभग 1225 रुपए के आसपास चल रहा है, इसने जो हाई बनाया था वो 1328 रुपए का बनाया था। करंटली जैसा कि हमने सभी आईपीओ में देखा है कि ये सभी के सभी जो आईपीओ हैं लिस्टिंग अगर किसी ने अच्छी दी भी है तो भी उसके बाद जो है इन सभी स्टॉक्स में जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो इसके बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि जब भी आपको जो करंटली आईपीओ है उसमें अगर लिस्टिंग गेन मिलता है तो आप तुरंत ही प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का कंडीशन भी इतना कुछ अच्छा नहीं है। मे बी जो है मार्केट अगर 8 फेब तक थोड़ा रिकवर करता है या स्टेबलाइज होता है तो आप एक सोच सकते हैं या एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, अदरवाइज निकल जाना ही एक बेटर ऑप्शन रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि अगर आईपीओ किसी को मिला है और लिस्टिंग भी ऊपर की तरफ होती है तो क्या करना चाहिए। लंबे समय के जो निवेशक है खासतौर पर उनके बारे में ये सेशन रहेगा। तो इस कंपनी के सबसे पहले ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ये एक मुंबई की बेस्ड सर्फेक्टेंट कंपनी है जो कि स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर है, जो इसकी स्थापना भी जो है लगभग 1986 में हुई थी। दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का मैंने फुल कवरेज या कंप्लीट रिव्यू का एक वीडियो ऑलरेडी बना के पहले डाला हुआ है, अगर आपको डिटेल रिव्यू इस कंपनी के बारे में चाहिए तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात किए करें तो फिर इसका जो प्रोडक्ट है वो पर्सनल केयर और जो होम केयर वाले प्रोडक्ट होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो कस्टमर बेस है वो भी बहुत अच्छा है, केविन केयर, कॉलगेट पार्मोलिव, डाबर, हैंकेल, हिमालय, लॉरेल, यूनिलीवर जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती हैं। इसके पास लगभग 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट ग्रेड्स हैं जो कि ये कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकती हैं।
इस कंपनी की करंटली 60 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जिसमें से 5 जो हैं इंडिया में अवेलेबल हैं और 2 इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो इंडिया के बाहर भी अवेलेबल हैं। अब इस कंपनी के अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूं कि आने वाले दिनों में क्या अच्छा हो सकता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कंपनी है लगभग 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट ग्रेड्स इसके पास पॉसिबल अवेलेबल हैं और जिनको ये थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके अपने अलग अलग कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकती हैं, जिससे इनका और ज़्यादा कस्टमर बेस जो है बढ़ सकता है और ये एक तरीके से वन स्टॉप सॉल्यूशन पॉइंट भी बन जाता है बाकी कंपनियों के लिए। ये जो कंपनी है 30 साल पुरानी कंपनी है और इसका जो रिलेशनशिप है अपने कस्टमर्स के साथ या क्लाइंट के साथ वो बहुत ही लंबे समय से है और एक अच्छा रिलेशनशिप बना हुआ है उनके साथ। और सबसे अच्छी बात जो है इस कंपनी के लिए वो ये है कि इसका जो 50% रेवेन्यू जनरेट होता है वो ओवरसीज कस्टमर से होता है, यानी कि इंडिया के बाहर के कस्टमर से इनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर हम इसके सेल्स फिगर की बात करें तो हम देखेंगे कि इंडिया में करंटली ये 35% कैप्चर करके रखा है, इस रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में लगभग 20% है, अफ्रीका और मिडल ईस्ट और टर्की जो कंट्रीज़ हैं उस साइड में इनका लगभग 45% शेयर या प्रोडक्ट इनके जाते हैं। अब अगर फाइनेंशियल पॉइंट पे देखें कि ये कंपनी ने किस तरीके का परफॉर्म किया है, तो पिछले 5 साल का डेटा आपके सामने लेके आया हूँ, तो आप देख सकते हैं FY13 से इस कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। FY17 में अगर टोटल एसेट आप देखेंगे तो वो भी इसका अच्छा खासा ग्रो हुआ है, टोटल रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ आई है। और तो अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो मैं FY13 के डेटा को इतना गौर से नहीं देखूंगा, लेकिन FY14 में अगर आप देखते हैं तो लगभग 76 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी बढ़ के 146 करोड़ के आसपास हो चुका है, यानी कि पिछले 5 सालों में इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी 2 गुना हो चुका है। अब अगर हम इसके वैल्यूएशंस देखते हैं बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ईयर 17 के हिसाब से, तो इनका अर्निंग पर शेयर लगभग 41 रुपीज़ के आसपास का आता है। उसी प्रकार अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो फिर इसका जो है लगभग 35.86 का पी रेशियो बैठता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अगर हम देखेंगे तो लगभग 28.68 का आता है। कि जो लोग शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं या जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था, वो लिस्टिंग गेन लेकर के तुरंत ही इस स्टॉक से निकल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी इनस्टेबिलिटी बनी हुई है, तो ये हो सकता है स्टॉक जो है नीचे भी जा सकता है। और जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उनके लिए भी यही सजेशन रहेगा कि अपने अगर स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो निकल जाएं, और जब कहीं पे ये स्टॉक जो है स्टेबल होता है या कंसोलिडेट होता है वहाँ पे दोबारा इस स्टॉक में एंट्री ले जा सकती है। स्टॉक के प्रोडक्ट या वैल्यूएशंस के हिसाब से देखा है तो स्टॉक ठीक ठाक लग रहा है और अपने निवेशकों को रिटर्न भी बना के दे सकता है, बट करंट लेवल पे इसमें बने रहना जो है थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं इस स्टॉक में बने रहने का भी। दोस्तों एज ए डिस्क्लोजर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस स्टॉक में जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बताई हैं, मेरा कोई भी पर्सनल निवेश इस स्टॉक में नहीं है। और अगर आपको इसके फाइनेंशियल्स या बाकी डेटा अच्छा लगता है तो एक बार आप अपनी तरफ से भी इस स्टॉक के लिए रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी एक बार डिसीजन लेने के बाद ही इस स्टॉक में अपना कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट करें। और जो ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में मैंने इस स्टॉक में बताया है, जैसा पहले भी आपको क्लियर किया है, जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो मार्केट कंडीशंस के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, तो हो सकता है कि अगर लिस्टिंग के दिन के आसपास इस मार्केट की कंडीशन अच्छी होती है और कोई बैड न्यूज़ मार्केट में नहीं रहती है तो इसका जो GMP है या लिस्टिंग है वो ऊपर के लेवल में भी जा सकती है, लेकिन अगर उसी के अगेंस्ट में जाकर के मार्केट नीचे की तरफ जा रहा हो और बैड न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो तो हो सकता है इसकी लिस्टिंग नेगेटिव प्राइस पे भी हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी सवाल है या सुझाव है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं अपनी तरफ से आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।